और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूं, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहां चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहां चुनाव जीतेंगे। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार मुकेश सहनी मीडिया से मुखातिब हैं। इस दौरान बहुत सारी बातों से पर्दा हट रहा है। मुकेश सहनी और भाजपा के बीच जो अदावत शुरू हुई है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से उठकर अब बिहार में घुस चुकी है, और बिहार में भाजपा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से सीटों का ऐलान किया, ये भी स्पष्ट हो गया कि मुकेश सहनी को साथ लेकर चलने के अब फिराक में भाजपा नहीं है। और यही भी स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से भाजपा ने एक सीट दे दी लोजपा को, जो कि पशुपति पारस की तरफ है, उस सीट को देने के साथ साथ ही मुकेश सहनी को आंख चिढ़ाने जैसा भी हो गया। अब मुकेश सहनी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर से पर्दा हटाया है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी है। बिहार में सरकार की जो स्थिति है वो आप बेहतर जानते हैं। मुकेश सहनी के विधायकों की इसमें संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मुकेश सहनी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या अब आप इसका बदला सरकार गिरा कर लेंगे, तो मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन इसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, क्योंकि जो बिहार सरकार है वो नीतीश कुमार के अधीन है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उन्हें मैंडेट जनता ने दिया है सरकार चलाने के लिए, और हमारी लड़ाई अगर है भी तो वो भाजपा से है और भाजपा ने हमें दुश्मन बनाया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और बिहार में सरकार गिराने को लेकर कोई फैसला हम नहीं करने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने विधायकों के साथ वो नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे, मौजूदा एनडीए सरकार में बने रहेंगे, लेकिन दिल्ली के तख्त को हिलाने की बात उन्होंने कह दी कि अब निषाद के समाज का बेटा दिल्ली के तख्त पर बैठेगा तभी निषाद समाज को जो है आरक्षण मिलेगा। साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी चुनौती दे दी है कि अब आइए उत्तर प्रदेश में फैसला हो जाए, और 24 सीटों पर बिहार में एमएलसी चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। एक और बात हुई, बोचहा सीट पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब बोचहा सीट पर कोई भी चुनाव लड़े मुकेश सहनी अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारेंगे, वीआईपी वहां प्रत्याशी उतारेगी, और अगर भाजपा और हमारे बीच अगर अदावत ही रहेगी अब तो अदावत ही सही। देखिए खुद मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। इस बार तो साबित कर दिए को नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए, तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है, वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले, यूपी बिहार झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव, तो आपको किस बात का समस्या है? और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले? अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप देश में सरकार है, आपका देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता? जो 1-2 लाख रुपया सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया, आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। ये देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, और आप जो किए मैंने मुझे लगता है कि आपने सही किया, लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद को आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे, तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़े। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी, कोई मेहरबानी नहीं किया था, कोई व्यक्ति मेहरबानी नहीं किया था, ये मेरा अधिकार था, मुझे ठीक है पूरा कर दिया, आगे ना करें। उनको जो लगता है मेरा जो गठबंधन हुआ था आप सबके समक्ष में,
और उसका गवाह आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है। बिहार को जनता को समय आएगा तो आप ही बताइएगा कि जब चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 MLC, और 1 MLC जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है, तो उनका काम था MLC बनाना और 11 सीट देना, उसने दिया, कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। अगर 11 सीट पे उन्होंने हमको वोट दिया तो हमने 11 सीट के अलावा बाकी जगह पे उनको हमने वोट दिलाया और कई ऐसे सीट को हमने जिताया है। तो गठबंधन तो यही होता है, तो हमें आगे भी वो उनका अगर ईमानदार रहेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो ना करें, मुझे उसका परवाह कहाँ है। अगर उसका परवाह करते तो उत्तर प्रदेश में लड़वे करते हैं। तो हम लोग आज समाज के साथ हैं, मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे, जिसको जो अपना करना वो करे, लड़े जो करना है वो करे। सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे वो चाह सीट पे लड़ेंगे, बीजेपी दावा कर रही है। पूरब सूरज जो है ना, पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन VIP पार्टी बोछा में चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई 1% किटवट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था उस गठबंधन के तहत अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में, स्पष्ट। तो सरकार से समर्थन वापस लेंगे क्या? सरकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रुपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूंगा कि कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूं। और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम, 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक BJP का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया तो आज हम तो वो दुश्मन मान रहे हैं, कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो के लोग कहते हैं कि VIP के विधायक हमारे साथ हैं, तो वो भी कर ले ना, वो भी कर ले। अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे VIP का दिख रहा है, और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहाँ डरने वाला हूँ। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है, जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो ये VIP पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ, विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है तो 130 भी बना सकता है, और अपने दम पर निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद के बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारे समाज में तो बहुत कुछ नॉलेज है, आज हम लोगों ने दुनिया जीतने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में हमारी संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे, और 24 लोक विधानसभा परिषद का जो विधान परिषद का सीट है उस पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। पति पारस को 1 सीट दिया गया, आपको इग्नोर किया गया, मांझी जी को इग्नोर किया गया। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सहनी जी को कमजोर समझ रहे हैं। तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए तो नहीं, तो हम भी सरकार के साथ हैं। सर खबर चल रही है, ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बताशा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है, मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। बोचहा सीट से पार्टी के कोई और उम्मीदवार हो सकते हैं कि आप खुद भी लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, सुरक्षित सीट है, हम कैसे लड़ लेंगे, वहां पे हमारे प्रत्याशी रहेंगे और हमारे स्वर्गीय
अब मुसाफिर पासवान जी पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं और उनका सुरगास हो गया है, तो हमारा पूरा उनके परिवार के साथ आस्था विश्वास जुटा हुआ है और आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर बीजेपी परिवार से उम्मीदवार उतारती है तो क्या समर्थन वापस लेंगे या साथ में रहेंगे? सर आप वहाँ पे मजबूती से वहाँ पे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, नाम क्या होगा वो समय पे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नाम का घोषणा करें और समय आने पे आचार संहिता लगने पे वहाँ पे घोषणा होगा, वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा। जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहाँ चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहाँ चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। बार बार जो आपके खंजे भोगा जा रहा है, पिछले बार भी अबे गरीब का बेटा है, मछुआरा का बेटा है, तो अभी खंजारे भोग रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है। लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे, जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।